एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। आखिरकार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया और जिनका विरोध, शुरुआत में ऐसा लगा कि लालकृष्ण आडवाणी उनके विरोध में हैं अहमदाबाद, जब आज वो पहुंचे तो उन्होंने मोदी, नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की उसे माना जा रहा है कि वो यू टर्न लिया है। क्या वाकई यू टर्न है या आडवाणी जी पहले से ही मोदी को ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए उत्सुक थे? क्या थी बातचीत, क्यों वो विरोध कर रहे थे और अब वो क्यों तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी में असामान्य गुण हैं, वो हमेशा कुछ नया और सोचते हैं, करते हैं। उपेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं, ये यू टर्न के पीछे या यू टर्न तो मजबूरी है? यू टर्न तो इनको लेना ही था, मतलब उसमें जो कह रहे थे वो भी सही था और अभी जो कह रहे हैं ये भी इनके ही कोई टैक्टफुल बात कर रहे हैं। उसमें टैक्टफुल नहीं थी और अभी भी टैक्टफुल नहीं है जी। आडवाणी जी को मैं एक स्टेट पॉलिटिक्स करने वाला आदमी समझता हूँ। लोग कहते हैं बहुत श्रूड हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, वो इस तरह का कभी नहीं रहे। हमेशा उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स की है, वो राम रथ यात्रा की पॉलिटिक्स हो, 96 में जब हवाला में इनको डाल दिया गया उस समय की पॉलिटिक्स हो या बात की हो, तो इनका सीधा था कि इन्हें लग रहा था कि भाई हमने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे कारण पार्टी यहाँ इतना बड़ी है, अभी मैं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, भी मैं कर सकता हूँ, तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इनका अंदर से इनकी आवाज़ थी और उसी के कारण ये नरेंद्र मोदी के नाम पर तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जब पार्टी ने डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया, जितना ये कर सकते थे, प्रतिरोध कर सकते थे, उतना इन्होंने किया। मतलब है कि एक फाइटर की तरह अंत अंत तक इन्होंने अपने आप को पीछे नहीं किया। अब वो समर्पण पे, लेकिन अब उसको समर्पण भी कहना गलत होगा, सही शब्द नहीं है। सही शब्द है कि उन्होंने देख लिया कि पार्टी ने निर्णय कर लिया है और हमें पार्टी के साथ जाने में हमारा भी भला है, पार्टी का ही भला है। लेकिन उससे पहले पार्टी के अवधेश जी के पास जाते हैं। अवधेश जी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो आज नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो नई सोच रखते हैं, हमेशा कुछ नया करते हैं, और उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी, आडवाणी जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने जो स्वागत का इंतजाम वहाँ पे हुआ था वो भी अपने आप में अनोखा था, अनूठा था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो विरोध था नरेंद्र मोदी का, जो सबसे ज़्यादा प्रखर और माना जाता था कि आडवाणी जी का विरोध मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वो विरोध अब समाप्त हो गया। देखिए, एक बूढ़े व्यक्ति का अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम समय में जी, अपने आसपास के लोगों जिन्होंने खुद खड़ा किया है उन सब के सामने और अपनी बुजुर्गियत दिखाने का उनके पास अवसर था और अंतिम समय में दिखाया है। लेकिन मैं इसमें दो बातें कहूंगा कि ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा है। 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नियुक्त हुए और 16 सितंबर को कोरबा में, छत्तीसगढ़ में जो पावर प्लांट था उसके उद्घाटन में आडवाणी जी गए थे और वहां उन्होंने यही कहा था कि गुजरात जैसा विकास देश में कहीं नहीं हुआ और हमारी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, वो इसी प्रकार से देश का भी ऐसे ही उद्धार करेंगे, क्योंकि देश भर का ध्यान था कि आडवाणी मोदी के बारे में क्या बोलते हैं। पहली बार उन्होंने वक्तव्य दिया था और 25 सितंबर को जो भोपाल में महाकुंभ कार्यकर्ताओं की रैली, जिसको महाकुंभ नाम दिया था, उन्होंने वहां भी उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। यद्यपि जब नरेंद्र मोदी पांव छूने के लिए गए थे तो आडवाणी ने एक प्रकार से स्नब किया था, उनकी ओर बहुत ज्यादा वो नहीं थे। लेकिन यह भी मत भूलिए कि 2011 के बाद पहली बार आडवाणी गुजरात के किसी सार्वजनिक समारोह में शामिल हो रहे थे, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ जी। तो जाहिर है वो मन बना के गए हैं, अब पार्टी के सामने है, उनको यही करना चाहिए था, उनको समझ में आ गया है कि अब हमारे हाथ से जो है नियंत्रण बाहर जा चुका है। मेरे साथ के लोग जिनकी बदौलत मैं काम करता था, जो मेरे इशारों पर हमेशा मेरी बात को साकार देने के लिए तैयार रहते थे, वो सारे साथी या तो स्वर्ग सिधार चुके हैं या इतने बूढ़े हो चुके हैं देश भर में यहां से लेकर के कि अब मेरे पास कोई है ही नहीं, अब इनका समय है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अभी देखना होगा कि आडवाणी जी जो बोल रहे हैं बाकी उनके अंतर मन का परिवर्तन है या अभी भी एक रणनीतिक बयान है, क्योंकि नरेंद्र जी की तरह बिल्कुल स्ट्रेट पॉलिटिशियन मैं उनको नहीं मानता हूं। यद्यपि ज्यादा जी कह रहे हैं कि स्ट्रेट कुछ काम किया है उन्होंने, लेकिन पार्टी के अंदर जो है, पार्टी के अंदर लंबे समय से, जब से खासकर 2009 में प्रधानमंत्री पद का वो हारने के बाद से, वो जो उनकी राजनीति रही वो बिल्कुल पार्टी में एक अलग सत्ता के रूप में रही है।
जो हम लोग कहते थे गडकरी जी अध्यक्ष बने तो एक गडकरी जी की सत्ता अलग होती थी, पार्लियामेंट की सत्ता अलग थी और आडवाणी जी के यहाँ अलग जो है होती थी, तो उसमें से आडवाणी के का भी एक सत्ता केंद्र रहा है, वहां वो अलग तरीके से उनका काम चलता था और आप और हम मिलने जाते तो कई बार अपनी पीड़ा भी बताते थे कि पार्टी में तो हमारी बात कोई मानता ही नहीं है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आडवाणी का जो सब कॉन्शियस माइंड है ना दिलीप जी, उसमें ये बैठा हुआ है कि इस देश में अब जो है मिली जुली सरकार ही कायम रह सकती है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस मायने में उदाहरण देते हैं हर मीटिंगों में, तो वो सब कॉन्शियस से वो भाव हटा नहीं है उनके अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव परिणामों का कि मन बदला है कि नहीं, अब तो उनको प्रचार करना है तो करना ही है उनको। जी किशोर जी हैं वरिष्ठ नेता हैं आप भी, आपने भी तमाम इन नेताओं को, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, आप इन तमाम नेताओं के साथ बड़े नज़दीक से आपने काम किया है। आडवाणी जी ने जब विरोध किया और जब आप समर्थन कर, एक तो मैं कहता हूँ उन्होंने विरोध बिल्कुल नहीं किया, कि एक शब्द विरोध का जिस दिन घोषणा हुई उनका कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन थी उसके लिए, कहीं रिजर्वेशन थे वो भी ये चाहते थे कि ये विधानसभा के बाद हो जाए, इतना अंतर था। बाकी मैं आडवाणी जी का भी 30-40 साल से, बिल्कुल मोदी जी का भी 20 साल से साथ रहा हूँ, मोदी जी के वो प्रशंसक 1990 के बाद मैं देख रहा हूं उनको लगातार है। मोदी जी एक सहज रूप से कार्यकर्ता के रूप से उभर के आए हैं, जैसे आडवाणी जी नीचे से उभर के आए, दोनों के अंदर सामंजस्य बहुत रहा है। बचाने वाला तक तो ये मीडिया कहता था कि आडवाणी जी ने बचाया मोदी दंगा के बाद, और क्योंकि गुजरात से ही आज आडवाणी जी प्रैक्टिकली 1991 से लगातार गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में भी साथ साथ, मोदी को एक अपने लड़के की तरह उभरते हुए देखा है। मेरे अंदर भी चार कमी होंगी मोदी जी के, उनको बड़े के नाते कुछ समझाना हो तो समझाते हैं, परंतु आज पूरा देश, कांग्रेस तो पूरी तरह मान चुकी कि मोदी की लहर है, देश का मिलिट्री मैन मानता, देश की जितने देशभक्त लोग हैं इररिस्पेक्टिव पार्टी, कम्युनिस्टों को भी केरल में कहना पड़ा कि मोदी डूअर है, देश के लिए सोचता है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, कोई कह सकता है कि लोकतांत्रिक थोड़ा कम है, कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ी सी रिजिडनेस है, वो सारी बात हो सकती है। आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी में पिता और पुत्र का जो एक रिलेशन होता है, मतभेद होते हैं पिता पुत्र में भी, परंतु गांधीनगर में जो उन्होंने बोला या नरेंद्र मोदी का, जैसे आपने अभी भी अवधेश जी उस टाइम मैंने भी देखा है वो चित्र, उस समय उनका ध्यान उधर है जब वो पैर छूने की बात, थोड़ी देर बाद जब है मेज बीच में उस समय पूरा पूरा आशीर्वाद दिया। और आडवाणी जी बहुत भावुक व्यक्ति तो हैं, जो थोड़ा उद्देश्य ने इशारा किया अकेले में वो अपनी कई बार, वो मैं 2009 में उनको कैसे तैयार किया था पार्लियामेंट के चुनाव लड़े दोबारा से, जन्ना प्रकरण के बाद वो बहुत पीछे चले गए थे, परंतु आज आडवाणी जी एक स्वयंसेवक पहले हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, जो कुछ आज हूं वो उसी की बदौलत। इसलिए आडवाणी जी एक भावुक व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, और मैं उपेंद्र जी के बात से ज्यादा सहमत हूँ कि सरल पॉलिटिक्स करनी आती है उनको। अटल जी को प्रधानमंत्री जिस समय वो चाहते हैं उनके मन में अभिलाषा होती, तो स्वयं विपक्षी नेता के नाते आडवाणी जी का क्लेम था, उन्होंने कहा नहीं अटल जी मेरे नेता, संघ ने भी तय कर लिया था कि आडवाणी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना, इसलिए आडवाणी जब अगर मान लो उन्होंने भी तय कर लिया हो, आडवाणी जी के चांसेस पूरे हो क्यों नहीं बने, क्योंकि उनको मालूम था कि अटल जी ज्यादा सर्वानुमति वाले नेता हैं, और आज भी कल मालूम क्या होता है भगवान को पता है, पर यदि आज 270-275 सीटें आने की हमारी प्रेडिक्शन आज भी अभी टाइम्स नाउ चल रहा होगा इस समय, और नरेंद्र मोदी के कारण एक देश में एक ये विश्वास तो हो चला है कि बीजेपी में डूअर है, कर सकता है, कुछ परिवर्तन ला सकता है, इन भ्रष्टाचारियों को बंद कर सकता है, ये कि भावना आई है सीबीआई ये वो करती कराती रहेंगे, ये चुनाव जो 8 दिसंबर के रिजल्ट आपको दिखा देंगे कि पार्लियामेंट का चुनाव एट दी मोस्ट जनवरी एंड ये फरवरी के फर्स्ट वीक में है। इस देश को आज मनमोहन सिंह से, राहुल से, सोनिया से मुक्ति चाहिए, और मुक्ति मिल सकती है तो केवल वाया नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के पद। लेकिन एक तरफ जहां आप पीएम कैंडिडेट को लेके इतना पहले से आप बिल्कुल देश के सामने आपने रख दिया कि नरेंद्र मोदी आपके पीएम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, दिल्ली में वो कंफ्यूजन, वो टेंशन बहुत जोर से है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन बने, और इसको लेके जिस तरह का टेंशन पार्टी के कार्यकर्ता में है, पार्टी के समर्थक में है, कि आखिर और जो वोटर्स हैं, आम मतदाता है, उनको भी नहीं पता है कि दिल्ली के
जहां पर कि शीला दीक्षित है, जहां पर अरविंद केजरीवाल है, वहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका टेंशन बरकरार। मैं आज मीडिया से आप लोगों से ये जानकारी चाहूंगा कि केजरीवाल सबसे ज्यादा वोट दिल्ली में ले रहा है और सीटें दूसरा शीला दीक्षित जिस दिन लाल बिहारी तिवारी से हारी थी उस चुनाव में हम गए थे और 1 लाख से ज्यादा हारी थी। शीला दीक्षित दिल्ली की नहीं थी, सारे कांग्रेसी कहते थे बाहर की है, हमें थोप दिया गया। आज 15 साल में उसकी लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई है, परंतु हमने 15 साल में हमारे ने जिसको एस्टेब्लिश किया था, आज साहिब सिंह जी दुर्घटना में चले गए, खुराना जी बहुत अस्वस्थ हैं, सहनी जी चले गए और विजय कुमार मल्होत्रा भी 80+ हैं। एक भ्रम होना स्वाभाविक है जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी, समर्थकों में, परंतु आज कैपेबल हमारे पास ना हो, जब तो हम आपसे पूछें जी आपकी लीडरशिप में आज डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आए, विजय गोयल का आए, या उन दोनों से अगर वरिष्ठता को माफ हो रहे हम सेल्फ प्रोपगेशन करें तो नंदकिशोर गर्ग हर्षवर्धन को पार्टी में जब मैं महामंत्री था लेके आए थे, विजय गोयल में जिला अध्यक्ष था तो मेरे महामंत्री थे, परंतु आज ये मीडिया में एक बन जाता है। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 कैंडिडेट है, आप ये कहते हैं कि ये मीडिया का क्रिएशन है, इसमें पार्टी में पार्टी पहला लक्ष्य मेरा 50 MLA लाने का है और मैं एक बार पहले भी किसी चैनल पर कहा था हम 12 घंटे में मुख्यमंत्री के पद का डिसाइड कर देंगे। इस देश में हर तरह के एग्जाम्पल रहे हैं, बंसीलाल का जब बना था मुख्यमंत्री तो सबने कहा था 1 महीना चलेगा और बंसीलाल हरियाणा का निर्माताओं में नाम आया। आप ही के बात से नंदकिशोर जी अगर जाएं तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, लेकिन अनेक का प्रॉब्लम है, एक का प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है एक, एक अगर प्रॉब्लम के बदले अनेक है आपके पास, अनेक ये भी एक प्रॉब्लम है। चॉइस इज बिटवीन टू, बाकी अपने आप कहने को हम कहते 4 नाम ले देंगे एक दूसरे को खुश करने के लिए, चॉइस इज लिमिटेड नाउ बिटवीन द टू हर्षवर्धन जी और विजय गोयल, जो मोटा मोटा इसके अंदर में से एक चॉइस है। अब चॉइस का ये कि निर्णय आज करें, बाकी अब और नहीं है जितने भी अब विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन समय से अपने आप सेटल हो जाती है जी। तो अब ये दो व्यक्ति के बीच में दो के अंदर मान लो चॉइस है तो दोनों के अपने अपने अच्छे क्वालिटीज भी हैं, माइनस भी है, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, किसी के बारे में भी चर्चा हम दोनों ढंग से कर सकते हैं, परंतु मेरे पास टैलेंट इज टैलेंट है, मैं आज टैलेंट पूल है आपके पास, टैलेंट पूल है, उस टैलेंट पूल के अंदर मेरे पास सक्षम बढ़िया मंत्रिमंडल दे सकते हैं। हमने 93 में भी प्रूव किया, जो काम हमने 93 से 98 में किए थे उनका 15 साल के अंदर कोई बहस, शीला जी आ जाए आप किसी चैनल बुला लें या किसी और को भेज दें, अब उनके 15 साल का काम और हमारे 5 साल का, मैं विश्वास के साथ 5 साल में 3 मुख्यमंत्री वो 3 मुख्यमंत्री कारण बन गए। खुराना जी ने थोड़ा बड़बोलेपन में कह दिया कि मेरे पे FIR दर्ज होगी, अति नैतिकता, इस्तीफा दे दिया, खत्म हुआ केस, इतनी देर में 2.5 साल बीत गए, जो बन जाता है उससे हटने में कुर्सी से थोड़ा मुश्किल होती है। आज ये सच्चाई है, कलयुग है। उस तीसरी चॉइस के रूप में आखिरी 1 महीने में बहन जी को ले आई, 1 महीने में वो क्या कर देती, उस समय जो प्याज और बिजली और सारी, इसलिए मैं कुछ 3 वाली बातें करना मजबूरी वाली थी। साहिब सिंह ने बहुत काम किया, खुराना जी दिल्ली के आज भी, कोई भी यदि ओपिनियन पोल हो आज तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा तो खुराना जी का नाम दिल्ली की जनता लेती है, पत्रकार लेते हैं जी, जी। इसलिए हमारे बेईमानी का एक आरोप नहीं, 15 साल में एक आरोप कांग्रेस सरकार मेरे किसी मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, कोई जमीन हड़पने का, कोई गलत काम का, कोई अन्य काम का कोई आरोप कांग्रेस न लगा पाई, और लगाया भी थे छुटमुट तो प्रूव तो एक भी नहीं हुआ कोई बता दे। इसलिए क्लीन शासन हमने दिया था, फिर दे के दिखाएंगे, ये आपको दिल्ली की जनता का आपके चैनल के माध्यम से विश्वास है। 15 साल से क्लीन शासन के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, तो ये नंदकिशोर जी का वक्तव्य है। देखिए पार्टी के अंदर जी जी बिल्कुल पावर स्ट्रगल है, हम लोगों से भी लोगों की बात होती है, सत्ता के संघर्ष में अभी तो सत्ता है भी संघर्ष तो, नहीं देखिए सत्ता मतलब केवल सरकार नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली वैभवशाली पार्टी है, और दिल्ली में जो है कॉर्पोरेशन में लगातार इसी 15 साल में हमने 12 साल हमने राज किया है, वो भी दिल्ली की जनता ने चुना है। नहीं कॉर्पोरेशन में तो आप जीतते ही है, आकर वही दिल्ली की जनता, लेकिन
कॉर्पोरेशन में हमारे रिबन काटने वाले में नहीं जीत पाते हैं ना, कठिनाई यही है कि वहाँ पर हम 98 में 6 लोकसभा जीते, सिलेक्शन देखिए हमेशा कैंडिडेट है, प्रॉब्लम कही है, हमने ये तो नहीं करे प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली में पार्टी पदों का बंटवारा, दिल्ली में जो है दिल्ली का जनसंख्या का जो चरित्र बदला है उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि भाजपा का नेतृत्व उस हिसाब से दृष्टि से उससे आज जैसे पूर्वांचल का अन्य प्रांतों के लोग ज्यादा आए हैं पार्टी में, ऐसा है ना कि हम उनको इतना उभार नहीं पाए, कार्यकर्ता कम हो गए हैं जी, ये सच है। वो है सच, वो कांग्रेस के कुछ चीजें हमारे अंदर भी हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है जी। और नरेंद्र मोदी जैसा देखिए, नरेंद्र जो इस वक्त जो अब सीधा सीधा लगातार जो दो आप देखें 24 घंटे से जो खबर आ रही है कि एक तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन है, दूसरी तरफ विजय गोयल हैं, और इसको लेके जिस तरह के पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से जो समर्थक हैं उनको उनके बीच में जिस तरह का संघर्ष आप देखने को आप शायद बहुत कम दल में इस तरह का आपको मिलेगा। कार्यकर्ताओं में कोई संघर्ष नहीं है, दोनों में अभिलाषाएं हैं, ये नजर आ रही है। नंद किशोर जी आप देखिए, ऐसा है कि हर्षवर्धन ने अपनी लॉबी नहीं खड़ी की है। आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, वो हर स्टेट से लेकर सेंटर तक जो है अपना एक समूह बना चुके होते हैं, उनके लिए लॉबी, उनके लिए विजय गोयल जी ने दिल्ली में अपनी ताकत अपने अनुरूप लोगों को पद दे करके उनको जगह दे करके अपनी ताकत बनाई हुई है। अगर पावर स्ट्रगल होगा तो विजय गोयल उसमें सफल हो जाएंगे, यद्यपि दिल्ली के लोगों का ज्यादा समर्थन हर्षवर्धन के पक्ष में जाएगा, लेकिन पावर हमारी चुनाव उसके सदस्य हैं जिसमें कुल 19 लोग हैं जी, उनमें हर्षवर्धन जी हैं, उनको पूरा मान सम्मान उपाध्यक्ष रहे हैं हमारे कुल हमारे कार्यकर्ता है, ये मानेंगे नहीं जी, हर्षवर्धन जी श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, मदन लाल खुराना भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे, पार्टी से बेचारे को निकलना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, वापस भी आए ना, हम लोग घर जाते थे तो रोते थे, मजबूरी में आए और आए तक श्रीहीन हो गए। हाँ तो भावना में कई बार गलती हो गई, हो गए उसी प्रकार से पार्टी को भी बहुत पार्टी भी कई बार गलत, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक नेतृत्व विहीन पार्टी के रूप में देश में उपस्थित है। दुर्भाग्य अगर नरेंद्र मोदी देश में आडवाणी, जब आडवाणी वाजपेयी शक्तिशाली थे, एक नेतृत्व था, जो चाहते थे करवा लेते थे, आप नेतृत्व विहीन देश में तो अपने आज किस पार्टी के अंदर नेतृत्व जो है लोकतंत्र के अंदर जनता नेतृत्व प्रदान करती है, भाजपा के अंदर केंद्र एक इस समय एक लीडरलेस पार्टी थी। अगर नरेंद्र मोदी का उभार नहीं होता, देश में इतना जन समर्थन नहीं मिलता, उभार एक दिन जी, पार्टी को अनेक मुद्दों पर एक रखना कठिन था। नरेंद्र मोदी संजोग से इस समय अनेक कारणों से उनकी अपनी रणनीतियों से, जैसे उन्होंने स्वयं की भी मार्केटिंग की है और देश में भी नेतृत्व का संकट है, उसमें नरेंद्र मोदी की ओर एक आकर्षण गया है, पार्टी के विरोधी भी झुक गए हैं। लेकिन आप कुल मिला के क्या कह रहे हैं, हर्षवर्धन या गोयल? नहीं नहीं, हम किसी का इसमें मेरा मन नहीं, मीडिया से क्या लावे भी तो हम कुछ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उनका मत है। मेरा मानना है कि पावर स्ट्रगल होगा तो विजय गोयल उसमें सफल हो जाएंगे, इस समय पावर स्ट्रगल है। अगर वीटो लगा दिया किसी ने तब तो मान लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी का वीटो लग सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी विजय गोयल के को ज्यादा पसंद करते हैं नेता के रूप में, क्योंकि छात्र नेता रहे हैं, ये 74 में रहे हैं, तो वो एक संबंध भी है। तो मुझे तो इस समय ये लग रहा है कि दिल्ली के पावर स्ट्रगल में अपने माध्यम से जिनको वो टिकट देंगे सब में वो शक्तिशाली होंगे। वो विजय अंतिम कमेटी में हर्षवर्धन जी स्वयं बैठे हैं, हर्षवर्धन जी हमारे उतने ही प्रिय छोटे भाई हैं जितने विजय गोयल हैं, और हम सबका मत ये है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन दोनों से जिसका निर्णय करेगा पूरी पार्टी उसका एक मत से उसके साथ हो। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उपेंद्र जी, दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री है उसके बाद का सवाल है, पहले पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, वो सीटें कैसे आएगी, किसके नाम पे आए, वो भाजपा के नाम पर कमल के निशान पर आए। समस्या है कि इसमें पिछले 15 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं किया, इसे कोई एक लीडर इमर्ज करता। नरेंद्र मोदी का इमरजेंस एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ है, उसे ये नहीं कह सकते कि पार्टी ने बनाया, खुद इमर्ज हुए, पार्टी ने देखा और एक्सेप्ट किया।
दिल्ली में उस तरह से किसी लीडर का इमरजेंस नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी नहीं एक्सेप्ट कराना पड़ा नरेंद्र मोदी को जी, जी। नहीं लेकिन पार्टी करना पड़ा नरेंद्र मोदी बहुत, बहुत कम समय रह गया बिल्कुल उपेंद्र जी यही रहा दिल्ली की कांग्रेस का शीला ने सुना कि मेरा निश्चित नहीं दूसरा कौन नेता है मैं थोड़ी देर के लिए आप मुझसे तीनों से पूछ रहा हूँ शीला ने आखिर क्या कहा कि मेरा निश्चित कौन बनेगा मुझे नहीं मालूम तो दूसरा कौन नेता है विकल्प के रूप में थोड़ी देर में पूछूं आपके माध्यम आप बड़े जागरूक अच्छे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कि कांग्रेस का आज तो कांग्रेस के नेताओं से आपको पूछना पड़ेगा आप हमारे को बता रहे हैं इसकी ये गुण हमें पता है कपिल सिब्बल कभी दिल्ली में पुराने से दो बार आ रहा है किस आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए क्या ये वाकई कठिन समय है इस वक्त या बीजेपी तय करके चुनाव में उतरेगी कि कौन मुख्यमंत्री होंगे देखिए चुनाव में तभी पार्टी कोई किसी का नाम एक करती है एक स्ट्रेटजी के तहत करती है अगर कोई ऐसा नाम है जिसके नाम पर वोट दिया जा सकता है तो पार्टी करे तो ठीक है अदरवाइज किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के लिए कंपल्सन नहीं होता है जी यह एक रणनीति का हिस्सा है किसी को नहीं करना किसी लीडर किसी एक व्यक्ति को चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो चाहे विजय किसी को आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना के उतरेंगे या कलेक्टिव लीडर से मुझे लगता है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर अभी तक की जो सोच है बाकी 20 तारीख को वरिष्ठ नेता फिर बैठेंगे अभी तक की सोच में यह है कि हम 50 सीटें पहले जीतें उसके बाद एमएलए जो चुन के आएंगे उनके बातचीत बहुत धन्यवाद अवधेश जी नंदकिशोर जी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।